छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर आज सरकार और राजभवन में तनातनी जारी है। आरक्षण पर फंसे पेंच को लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी तक राज्यपाल आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ आदिवासी समाज की मांग पर किया है। अरविंद नेताम के बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद नेताम और भाजपा के लोग बताएं, क्या ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? भाजपा का दो मुंह है और ये दो गले से बात करते हैं, आरक्षण पर दो मुंह ही बात नहीं करना चाहिए। राजभवन से अभी तक के आया नहीं है हस्ताक्षर होके। कुछ लोगों को बयानबाजी हो रहा है, अरविंद नेताम जी बोले हैं, इसीलिए हम लोगों ने तो अनुसूची 9 में डालने की बात की है और आदिवासी समाज के लोगों के ही मांग पर किया है। और जब सांसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग से वैसे पार हो गया EWS मिला के, तो फिर इसमें अड़चन क्यों आएगी? और दूसरा, अरविंद नेताम जी और ये भाजपा के लोग ये बताया कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, भाजपा के लोग बताएं इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।